फ्रेंड्स, मुंबई के पास बनने वाला नया एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट के पूरा होने का इंतजार काफी लंबे समय से बाकी है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के पूरा करने की डेट कई बार बदली जा चुकी है। नवी मुंबई एयरपोर्ट को सबसे पहले 2019 के दिसंबर में बनकर तैयार होना था, लेकिन कुछ कारणों के कारण इस एयरपोर्ट के काम को 2020 तक टाल दिया गया। लेकिन 2020 में भी इस एयरपोर्ट के बनने की डेट को दो बार बदलने के बावजूद भी अभी तक नवी मुंबई एयरपोर्ट का पहला फेज भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार आने के बाद उद्धव ठाकरे ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के बनने की नई डेट अब 2021 की रखी है। इस नई डेट के अनुसार नवी मुंबई एयरपोर्ट मई 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें पहले फेज में कई डोमेस्टिक उड़ानों की शुरुआत भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के निर्माण कार्य से लेकर उसके साथ बनने वाले रोड के ऊपर भी पूरे तरीके से काम किया जा रहा है, जिससे कि इस एयरपोर्ट को मुंबई के साथ पूरे तरीके से जोड़ा जा सके। और उम्मीद है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, नवी मुंबई एयरपोर्ट अब अपने तय सीमा में इस बार चालू हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के बनने से पहले ही एयरपोर्ट के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, जिसमें कि शिवसेना की तरफ से नवी मुंबई एयरपोर्ट के नाम के लिए शिवसेना पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम को सजेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि नवी मुंबई एयरपोर्ट इसलिए चालू किया गया है क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट अपने पिक समय में सभी उड़ानों को ऑपरेट करने की क्षमता नहीं रख पाता है, जिस कारण से यहां पर एक और नए एयरपोर्ट के निर्माण की जरूरत पड़ी। लेकिन आपको बता दें कि शुरुआत से ही नवी मुंबई एयरपोर्ट विवादों से घिरा रहा, जिस कारण से इस एयरपोर्ट का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरीके से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर काम जारी है, ये बोला जा सकता है कि अगले कुछ महीनों में नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ाने चालू होने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट से जुड़ी हुई और भी जानकारी या फिर एयरलाइंस की खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहें, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर हमारे द्वारा जानकारी मिलती रहे।